साथ ही रियल एस्टेट रेगुलेशन एक्ट के माध्यम से ग्राहक और आप के बीच का भरोसा मजबूत बनाने में इस सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। अगर आप गहराई से उस बात को देखोगे तो आप इसे महसूस कर पाओगे। और मैं चाहूंगा कि आपके यहां कभी इन सारी चीजों का वर्कशॉप हो, आपको एजुकेट किया जाए कि आखिर इन निर्णयों ने आपकी ताकत, आपकी हैसियत कितनी बढ़ा दी है। आज आप दुनिया के किसी भी देश में जाते हो, पहले भी जाते होंगे, अब तो छुट्टियां बाहर ही मनाते हो आप, थोड़ा ये व्हाइट पेपर जो है, जो टूरिज्म है उसमें आप जाते हो। पहले जो मिलता होगा आप हाथ मिलाते हो, तो आपकी बात मैं जानता हूं, आप चिंता मत कीजिए। पहले आप विदेश में कहीं जाते होंगे, किसी से हाथ मिलाते होंगे, जरा अच्छी अच्छी पर्सनालिटी होगी, बढ़िया सा जैकेट वैकेट पहना होगा, टाई वाई अच्छी होगी, वो भी पहना, और जैसे ही कहाँ से आए हो तो धीरे 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 हाथ ढीला पड़ जाता है। और आज आज जैसे ही कहते होंगे इंडिया, वो हाथ छोड़ता नहीं आपका। ऐसा होता है कि नहीं होता है? दुनिया में जहां जाते हैं आपका माथा ऊंचा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? दुनिया आपसे आंख मिला करके बात करने के लिए उत्सुक है कि नहीं है? कैसे हुआ? एक निर्णय प्रक्रिया होती है, एक कार्यशैली होती है, जिसका सीधा संबंध आपसे नहीं आता, लेकिन उसका इको इफेक्ट ऐसा होता है हर हिंदुस्तान की आन बान शर्म बढ़ जाती है, जो आज दुनिया में देख सकते हैं। और एक ऐसा इंसान जिसको चुनाव के पहले यही सवाल पूछा जाता था, आप अगर याद शक्ति ठीक हो तो देख लीजिए 2013-14 के अखबार, टीवी डिबेट देख लीजिए, एक ही चर्चा थी, ये क्या करेगा आदमी, हिंदुस्तान में इसको कौन जानता है, गुजरात के बाहर उसकी क्या पहचान है, और विदेश नीति में तो जीरो है, जीरो। कुछ लोग तो ऐसे कहते थे वो चम्मच कांटा कैसे पकड़ना है, ये भी इसको नहीं आता है, क्या करेगा। और तब मैंने कहा था ये बात सही है कि मेरे पास कोई अनुभव नहीं है, लेकिन मेरे जीवन में एक मंत्र है, जो भी करूंगा देश के लिए करूंगा। परिणाम मिला कि नहीं मिला? मिला कि नहीं मिला? यही ताकत है, इन सारे निर्णयों से आपको भी परिणाम मिलेगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि कभी इन निर्णयों को आपके अपने व्यवसाय के पर्सपेक्टिव में आपकी मेन टीम को एजुकेट करना चाहिए, उससे आपको पता चलेगा कि सरकारें ऐसे ही कानून नहीं बना देती, नियम नहीं बना देती। और मैं इन सारी प्रक्रियाओं में लोगों से पूछता हूं, जुड़ता हूं, समझता हूं, और उसी का परिणाम है कि धरती पर से हम बीज बोते हैं तो हम जो चाहते हैं वो उगा करके रखते हैं। आज रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा वाला कानून, अभी जैसे बता रहे थे ये सब रेरा का पालन करने वाले लोग हैं, आप जगह पर हंस रहे हैं कि मेरी बात पे हंस रहे हैं? आपकी हंसी में भी मुझे कुछ समझ आता है, लेकिन मैं इतना विश्वास करता हूं कि आपके दिल में इरादा है उस दिशा में जाने का, और इसके लिए मैं आपको अभिनंदन करता हूं। मैं मानता हूं अभी आप में से अभी भी कुछ लोगों के पैर कच्चे होंगे, हो सकता है, लेकिन अब आपका मन पक्का हुआ होगा, पक्के जमीन पे पैर रखा होगा, और मुझे उसी में विश्वास है। मैं बीते हुए कल पर
गुजारा करने वाला इंसान नहीं हूं, आने वाले कल के विश्वास पर नई इमारत खड़े के आप विश्वास करने वाला इंसान। यानी रेरा 28 राज्यों में नोटिफाई किया जा चुका है, 21 राज्यों में तो ट्रिब्यूनल भी काम कर रहा है। आज देश भर में करीब 35,000 रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स और 27,000 रियल एस्टेट एजेंट्स इससे रजिस्टर हो चुके हैं। इन प्रोजेक्ट्स के तहत लाखों नए फ्लैट्स निर्माण किए जा रहे हैं।